हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे एकदम इजीली ग्रिड मेथड का यूज़ करके आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी ड्राइंग को हम पूरा कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको बताऊंगा कि आप कैसे इजीली ड्राइंग में शेडिंग कर सकते हैं। तो शेडिंग के टोटल मैं 3 पार्ट्स डिवाइड करता हूँ मेरे तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं सब लाइट टू डार्क शेडिंग करते हैं, तो उसी में मैं सबसे पहले 4H या 2H से शेडिंग करूँगा। उसके बाद लाइट टू डार्क जैसे हम जाते हैं वैसे ही डार्क करते हम रियलिस्टिक ड्राइंग करेंगे, और साथ में मैं बैकग्राउंड भी इसमें ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मतलब दिखाऊंगा जिससे आपको और समझ में आ जाए। तो यस, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप कई सारे स्टेप्स मिस कर सकते हैं। तो यस, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो 4H पेंसिल मैंने लिया है यहाँ पे रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए। तो पहले हम पूरा फर्स्ट लेयर 4H पेंसिल से ड्रॉ करूँगा मैं पूरा फेस और नेक, हेयर और क्लोथ्स नहीं करूँगा, उसकी ज़रूर नहीं है। तो सबसे पहले मैं फेस ड्रॉ करता हूँ और फिर नेक ड्रॉ करता हूँ फर्स्ट लेयर के लिए। तो यस, आप पूरा इन्जॉय कीजिए। You're only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you be God. Feel like that. तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो रेफरेंस फ़ोटो में जो राइट वाला पार्ट है वो एकदम लाइट है, जबकि जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वहाँ पे डार्क है और वहाँ पे डिटेल भी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही मैं फ़ोटो को ऑब्जर्व करके वैसे ही 4H पेंसिल से ट्राई करूँगा कि जितना डार्क हो सके उतना डार्क करूँ और जहाँ पे डिटेल्स है वहाँ पे मैं डिटेल ड्राइंग करूँगा। तो वैसे ही है, तो आप देख सकते हैं। फेस ख़त्म होने वाला है, तो फेस ख़त्म करके मैं सबसे पहले ब्लेंडिंग करूँगा। ब्लेंडिंग में मैं ऑब्जर्व करके करूँगा कहाँ पे ज़्यादा करनी है, कहाँ पे कम करनी है वैसे, और कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है वैसे सब कुछ। तो ब्लेंडिंग ख़त्म करते हम मैं नेक स्टार्ट करूँगा। तो नेक में भी मैं 4H पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे आपको क्या करना है कि 4H पेंसिल का मतलब जैसे डार्क है वहाँ पे थोड़ा आप लेयर एक बढ़ा सकते हैं 4H पेंसिल से। तो अब मैं यूज़ करूँगा बी पेंसिल और 3B पेंसिल। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो डार्क एरियाज़ है वहाँ पे मैं ऑब्जर्व करके डार्क एरियाज़ को और डिटेल से और ज़्यादा शेडिंग करके और रियलिस्टिक बनाने की ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ बी पेंसिल और फिर और ज़्यादा डार्क करने के लिए मैं यूज़ करूँगा 3B पेंसिल। आईब्रोज़ के लिए मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया हुआ है और उससे पहले फर्स्ट लेयर के लिए H पेंसिल का।
जैसे आप फोटो में देख सकते हो कि जो लेफ्ट मतलब राइट वाला पार्ट है फोटो में, वहाँ पे सिर्फ आइस के नीचे और थोड़ी जगह पे थोड़ा डार्क है, बाकी सब लाइट है। तो वैसे मैं ऑब्जर्व करके वहाँ पे डार्क एरियाज को मतलब बी पेंसिल से वहाँ पे मैं डार्क एरियाज को ड्रॉ करूँगा। शेडिंग करते टाइम जो हमने आउटलाइन में जो थोड़ी मिस्टेक की होती है वो हम वहाँ पे मतलब यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिप्स में थोड़ी मिस्टेक की थी, तो जो मैंने यहाँ पे रिकवर कर ली और साथ ही साथ मैंने ऑब्जर्व करके शेडिंग भी कर ली। तो मैं अब फोरहेड पे भी ड्राइंग करूँगा और जो वहाँ पे स्मूथ है वहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। तो यस, अब फोटो में से मैंने ऑब्जर्व करके ये ड्रैगन भी ड्रॉ किया था। कर रहा हूँ ये सेकंड और थर्ड लेयर है फेस और नेक में। मेरा ये रफ पेपर है तो यहाँ पे 3B पेंसिल भी बहुत ज्यादा डार्क होती है। तो अब बारी है हेयर्स की। तो हेयर्स मतलब यहाँ पे ऐसा ही है कि राइट साइड में बिल्कुल लाइट है मतलब वाइट ही है, और लेफ्ट साइड में कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है। तो वहीं पे मैं ऑब्जर्व करके यहाँ पे इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके मैं हेयर्स को ड्रॉ करूँगा। तो अगर आपको इंडेंटिंग टेक्निक नहीं पता है तो मैंने उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना के रखी हुई है, तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो यस, वही मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके ही हेयर्स ड्रॉ करूँगा, और हेयर्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो भी मैंने वीडियो बना के रखी है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं। तो यस, आप इंजॉय कीजिए। तो ये ड्राइंग का मतलब हमारे पोर्ट्रेट का लास्ट फेज है जहाँ पे हम क्लोज को ड्रॉ करेंगे। तो अब बारी आती है मेन मतलब डिटेल्स की, जो एक मेन है पोर्ट्रेट के अंदर एक मेन रोल अदा करता है, तो इससे हमारा ड्राइंग रियलिस्टिक लगता है। तो मैंने आधा घंटा लगाया डिटेलिंग में, और पूरा ड्राइंग करते हुए मुझे कहीं ना कहीं 3.5 से 4.25 घंटे लगे। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ड्राइंग कैसा है, और कौन से आपको वीडियोज़ चाहिए वो भी मुझे बताइए।